वेलकम टू दिस व्लॉग। और गाइस आज मैं जा रहा हूँ एक स्पेशल काम के लिए जो कि रॉनिन का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर, तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जी हाँ, आज मैं रॉयल इनफील्ड हंटर 350 का टेस्ट राइड लेने जा रहा हूँ। सारी चीज़ें हमको ऊपर से नीचे तक पता है उसके बारे में, बट एक जो लाइव एक्सपीरियंस होता है ना, मैं वो भी करना चाहता हूँ एक बार फिर से। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग। और मैंने अपनी टेस्ट राइड बुक करवा ली थी आज मॉर्निंग में, तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाइए, टेस्ट राइड मिल जाएगी। तो बस वही करने हम जा रहे हैं। अभी 5-7 मिनट का रास्ता है, घर के पास में ही मेरे शोरूम है, तो कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे। तो फिर उनसे बेसिक डिटेल जो भी बात वगैरह करनी है वो हम करेंगे, एंड देन वी विल गो फॉर द टेस्ट राइड। और देखते हैं कि कितना मज़ा आने वाला है, बिकॉज़ मेरे एक फ्रेंड ने कहा था जब मैंने रॉनिन ली थी, उसके कुछ दिनों बाद उसका मेरे पास मैसेज आया, कॉल आया कि भाई तूने रॉनिन क्यों लिए जब हंटर 350 आने वाली थी। तो वैसे मैंने जब रॉनिन ली थी तब हंटर लॉन्च नहीं हुई थी, और मैंने इतना सर्च नहीं किया था कि रॉयल इनफील्ड की कौन सी बाइक आने वाली है। सो मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा था कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी रॉनिन को लेके, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू प्रोडक्ट TVS की तरफ से, अभी तक उन्होंने ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं था पहले। थोड़ा डाउट था मन में, लेकिन सारे डाउट टाइम के साथ क्लियर हो गए, बट मैंने अभी तक लाइव एक्सपीरियंस नहीं किया। तो अभी लाइव एक्सपीरियंस करते हैं और एक्चुअली में देखते हैं कि उसका कहना सही था या गलत था। बाकी मैंने फीचर्स, कंफर्ट एंड ऑल ये सब चीज़ें रॉनिन में ज़्यादा बेटर है, बट स्टिल एक बार मैं श्योर होना चाहता हूँ कि वाकई में ऐसा कुछ है या फिर क्या है। मेरे पास रॉनिन, हाँ मेरी है। किधर से चलना है? किधर ही है ना, ऑन कहाँ से होगी? ओ भाई, इसके फुटपैक थोड़े से पीछे हैं। मेन रोड पे ले लूं? तो इसमें गियर शिफ्टिंग वगैरह सब कुछ दिखा रहा है। अच्छा एक्सपीरियंस है यार, इट्स गुड वन। पिकअप भी ज़बरदस्त है यार। पुलिया के ऊपर ले लूँ नीचे? अच्छी है भाई यार, काफ़ी अच्छी है। टेस्ट राइड ले ली है, अभी बताता हूँ एक्सपीरियंस आपको। पहली बात तो जब मैंने उसके ऊपर बैठा ना, तो मुझे रॉयल इनफील्ड वाला फील बिल्कुल नहीं आया। ठीक है, नॉर्मल कोई ऐसा अजीब सा कोई बाइक होता है ना, कोई सा भी समझ लो, रॉयल इनफील्ड वाला तो बिल्कुल फील ही नहीं था उस बाइक में। अगर आप उस क्लास की बात भी करते हो ना,
तो वो क्लास भी नहीं था उसके अंदर। वो बाइक इतनी छोटी सी लगती है ना कि उसके जो अस्थि पंजर है वो यूँ दिखते रहते हैं मुँह के सामने से उनको। अभी देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो TVS वालों ने कवर करने के लिए एक ब्लैक कलर का रबर लगाया हुआ है। हंटर में उन्होंने ओपन छोड़ रखी है पूरी बाइक। कैन यू इमेजिन कितनी कॉस्ट कटिंग की है उस बाइक में। एटलीस्ट उसको कवर करना चाहिए था। ठीक है, और दूसरी बात, फिर जब मैंने उसका लीवर पकड़ा ना, सबसे पहले जब मैंने बाइक को पीछे लेना चाहा शुरू में स्टार्ट करके, जब मैं शोरूम से निकला था तो जब मैंने लीवर उसका दबाया तो आई फेल्ट लाइक व्हाट इज़ दिस मैन, इतना हैवी और इतना बड़ा। चलो ठीक है, बड़ा मानते हैं पर थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। देखो ये दब जाता है आराम से, वो बिल्कुल दबता ही नहीं रहा, बहुत कैड़ा था उसका। और जब मैं ये कितना किलोमीटर, मैंने 6 मिनट बाइक चलाई थी, 6 मिनट के अंदर मेरे हाथ, ये जो दो उंगलियाँ हैं ना, जो मैं दो उंगलियों से कोई यूज़ करता हूँ क्लच दबाने के लिए, तो बिल्कुल है ना कोई मज़ा नहीं आया मुझे उसको क्लच दबाने में। सेकेंड थिंग, बाइक उठती बहुत अच्छी है, पावर है बाइक के अंदर नो डाउट, काफ़ी अच्छा पावर है, और 350 सी इंजन का उसको प्रॉफिट तो है ही है, बिल्कुल है। लेकिन उसके अलावा वहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीज़ें देखी, लाइक गियर शिफ्टिंग वगैरह उसमें थी, दैट इज़ गुड। बट वो इतना छोटा एरिया था ना, आइधर उसको पूरा वो डिजिटल कर देते जब वो देखने लायक रहता। उसमें आप जो स्पीडोमीटर है उसके अंदर छोटा सा कर रखा है उसको, और उसके अंदर भी आप गियर शिफ्टिंग, टेम्परेचर एंड काफ़ी सारी चीज़ें सारे दिखा रहे हो आप, तो दैट इज़ नॉट गुड। वो इतना ठीक आप फीचर्स दे रहे हो बट उनको प्रॉपर तरीके से दो, ताकि जो ख़रीद रहा है उसको वैल्यू फॉर मनी लगना चाहिए वो चीज़। तो एग्जॉस्ट उसका मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दिया था, क्योंकि मैंने हेलमेट पहना था, तो उसके एग्जॉस्ट की आवाज़ थोड़ी कम है रॉनिन के कंपेरिजन में, तो उसके एग्जॉस्ट की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दी नहीं। उसके बाद अगर मैं गियर शिफ्टिंग पे जाऊँ तो उसके फुटपैक्स काफ़ी पीछे थे यार, मतलब इसमें मैं बहुत कंफर्टेबली बैठ के और बहुत कंफर्टेबली राइड कर पाता हूँ, उस पर उसके फुटपैक्स इतने पीछे थे कि मुझे काफ़ी अजीब सा लगा, क्योंकि आदत नहीं है ना चलाने की उस वैसी बाइक इस वजह से। और फिर उसके जो गियर शिफ्टिंग वगैरह है वो पीछे थे एक तो, और फिर उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि जो गियर शिफ्टिंग के लिए जो हमें पेडल चाहिए होता है ना, वो भी छोटा था, तो मेरे पैर को अंदर घुसाड़ना पड़ रहा था उसके लिए। अब देखो इसमें रॉनिन में पूरा बाहर है ये, तो बहुत इजीली मैं बाहर आराम से सिटिंग करके और फिर आराम से मैं आगे शिफ्टिंग कर पाता हूँ, लेकिन हंटर में ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे खास। सेकंड थिंग, उसके हैंडल पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा थे, कंप्लीट बॉडी में नहीं थे बट हैंडल पे वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा थे। जब भी मैंने उसमें थ्रॉटल दिया बाइक को उठाना चाहा इनिशियल पिकअप में, तो बाइक का जो साइड मिरर से ना, वो इतने गंदे वाइब्रेट हुए, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। बाकी जैसे आप 350 cc का इंजन चलाओगे, इसको चलाओगे तो इसमें थोड़ा पावर लेगा, आपको फील होता है बट ऐसा जितना कुछ नहीं होता है। और बाकी देखो ओवरऑल बताऊँ ना तो राइडिंग एक्सपीरियंस इसका ज़्यादा बेटर है, और सस्पेंशन ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं, ठीक है, और साउंड इसका ज़्यादा अच्छा है, पावर उसमें थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है आपको 350 की वजह से। बिल्ड क्वालिटी में मुझे ऐसा लगता है कि जो पेंट क्वालिटी है ना, वो रॉनिन का इतना अच्छा नहीं था और नहीं है, और जो हंटर का है वो पेंट क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। तो मुझे थोड़ा टच वुड से थोड़ा फील हुआ, मैंने टच करके रॉनिन भी देखा था जब मैंने PPF नहीं करवाया था उससे पहले, और मैंने अभी हंटर को भी देखा, तो दोनों में थोड़ा पेंट का क्वालिटी का फ़र्क है। रॉयल इनफील्ड में थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम फील होती है चीज़, इसमें थोड़ा कम फील होता है, ऐसा लगता है जैसे ऊपर एक सिंगल लेयर कर रखी हो, सो वो डिफरेंस मुझे लगा। और उसके अलावा अगर कोई भी चीज़ के मायनों में देखें तो रॉनिन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अच्छी है रॉनिन के साथ। बाकी तो गाइज़ आपकी मर्ज़ी है, आप जो करना चाहें, जो ख़रीदना चाहें वो आपकी चॉइस है, और डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे। रॉयल इनफील्ड इज़ गुड ब्रांड बट जो उन्होंने हंटर के साथ किया है वो किसी कोई मत करना यार, मतलब बहुत गलत किया है वो बाइक। क्या ज़रूरत थी उस बाइक को लॉन्च करने की, आप थोड़ा दूसरा इंजन डेवलप करके वैसा छोटा बाइक ला सकते थे। और
ठीक है, जो भी है सबके अपने ओपिनियन है, मैं मेरा ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। सो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था। और प्राइजेस भी जयपुर में 2,07,000 के, 2,03,000 के अराउंड उन्होंने मुझे बताया जो टॉप मॉडल है उसका। तो अगर आप हंटर के बेस मॉडल में उन्होंने बताया कि सिंगल चैनल ABS आता है और ट्यूबलेस टायर नहीं आते हैं, रिम वाली जो है टायर्स आते हैं, तो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो मुझे तो वो सब चीज़ें वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती, इसलिए। और मेरा चूज़ करने का इसको कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि जब मैंने ये ख़रीदी थी तब हंटर लॉन्च भी नहीं हुई थी। सो माय केस इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट राइट नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, दोनों का टेस्ट राइड ले और टेक गुड एक्सपीरियंस, गुड सजेशन फ्रॉम पीपल कि आपको कौन सा लेना चाहिए। बाकी गाइज ये था पूरा वीडियो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कैसा लगा आप ज़रूर बताना मुझे, और अगर मैंने कोई चीज़ गलत बोली हो रॉयल इनफील्ड के बारे में या फिर रॉनिन के बारे में, जो मुझे लगता है बट हो सकता है आपको ना लगता हो, तो ऐसा मत समझना, हर्ट मत होना उस चीज़ को लेके। आई डोंट हैव एनी इंटेंशन, सो जस्ट थिंक पॉजिटिवली एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। Thank you so much for watching this video. We'll meet in next vlog soon.